असलकम दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर घर बैठे ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाना चाहते हैं दोस्तों को या कोई भी और आप किसी चीज़ में माहिर हैं कोई बुक ऐसी पढ़ाना चाहते हैं जिसमें आप माहिर हों कोई भी या आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं बच्चों की तो उसका क्या मुकम्मल प्रोसीजर है कैसे आपने स्टूडेंट्स को तलाश करना है कौन कौन सी चीज़ें आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए और क्या क्या इसके अंदर मुख्तलिम शामिल हैं वो तो दोस्तों सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा तो दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी मवाद आपके पास क्या क्या होना चाहिए तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मैं ओपन कर लूँ एक सॉफ्टवेयर इन पेज दोस्तों चाहे आप कुरान पाक पढ़ाना चाहते हैं ऑनलाइन या कोई और ऐसी चीज़ आप मैथ में चाहे या फिज़िक्स केमिस्ट्री किसी चीज़ में या बहुत ज़्यादा माहिर हैं आप कहते हैं कि मैं ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकता हूँ जो कि आउट ऑफ़ कंट्री हों या किसी दूसरे शहरों में बैठे हों स्टूडेंट कुछ ऐसे होते हैं जो आप अगर लाहौर में बैठे हैं तो कोई कराची में मुल्तान में फैसलाबाद में आपसे कहता है कि मुझे जी मैंने ये आपसे सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूँ आप उस अगर अपनी एडवर्टीज़मेंट देते हैं कि मैं इस चीज़ में माहिर हूँ अगर किसी ने मुझसे पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है तो उसके लिए दोस्तों आप अपनी एडवर्टीज़मेंट जो है वो दे सकते हैं लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि उसके लिए आपके पास कौन कौन सा ज़रूरी चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए तो दोस्तों नंबर वन पर जो चीज है वो आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप इनमें से कोई एक चीज लाजमी होनी चाहिए कंप्यूटर या लैपटॉप दे दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप जरूर होना चाहिए जिसके जरिए आपने पढ़ाना है जो आपने जिसके ऊपर आपने ऑनलाइन लेक्चर बच्चों को देने हैं वो आपके पास जरूर होना चाहिए उसके बाद नंबर दो पर दोस्तों जो चीज़ है वो आपके पास होनी चाहिए स्मार्टफोन दोस्तों स्मार्टफ़ोन इसलिए है कि आजकल वैसे तो हर एक के पास स्मार्टफोन लाजमी होता है लेकिन स्मार्टफोन इसलिए होता है कि अगर आप के पा बच्चे स्टूडेंट आपकी क्लास का वक्त हो चुका है वो अवेलेबल नहीं है तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं कि बच्चे आप क्लास का वक्त हो चुका है अभी आपने अपना कंप्यूटर ऑन नहीं किया या आप ऑनलाइन नहीं हुए हो तो या उनके वालदे से रबता कर सकते कि आपका बच्चा जो है इस वक्त वो ऑनलाइन नहीं है या अपने बच्चे को क्लास पर बिठाएं मैं यहां से ऑनलाइन पढ़ाने लगाऊँ स्मार्टफोन में होना आपका लाजमी उनका फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास होना चाहिए दोस्तों उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आपके पास ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए वो है माइक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है माइक अगर आपके पास कंप्यूटर है तो दोस्तों फिर आपको इसके साथ वेब कैम भी होना चाहिए आपके पास अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसके अंदर तो ऑलरेडी पहले से ही जो है होता है वेब कैम जो है वो पहले से ही मौजूद होता है दोस्तों अगर आपके पास लैपटॉप है तो वेब कैम की जरूरत नहीं है अगर आपके पास कंप्यूटर है तो दोस्तों आपने वेब कैम भी साथ ज़रूर हासिल करना है और उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर जो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ वो क्या हूं? आपके पास होनी चाहिए वो है दोस्तों क़ुरान पाक इन जे फॉर्मेट या दोस्तों आपके पास होना चाहिए वो पी फॉर्मेट में दोस्तों क़ुरान पाक आपके पास होना चाहिए जे जेपीजी फॉर्मेट में जिसे इमेज कहते हैं इमेज फॉर्मेट में होना चाहिए या आपके पास पीडीएफ में होना चाहिए कुरान पाक आपके पास वाज अल्फाज में लिखा होना चाहिए उसके बाद दोस्तों अगर नुरानी कैद आपने बच्चों को पढ़ाना है नुरानी कैदा आपके पास वो भी जे फॉर्मेट में होना चाहिए यहाँ पर मैं लिख लेता तो हूँ नौानी कैदा नौरानी कायदा भी दोस्तों आपके पास लाजमी होना चाहिए जो अपने बच्चों को पढ़ाना है। अगर छोटे बच्चों को आप कुरने पाक की तलीम देने जा रहे हैं तो आपके पास नौरानी कायदा भी लाजमी होना चाहिए उसके बाद दोस्तों पाँचवें नंबर पर जो चीज़ आती है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए वो आजकल वैसे तो काफ़ी ज़्यादा जो है सॉफ्टवेयर आ चुके हैं लेकिन मैं दो रिकमेंड आपको करूँगा दोस्तों जो कि बहुत अच्छे सॉफ़्टवेयर हैं या जिसको जो ज़्यादा वर्ल्ड वाइड यूज़ किए जा रहे हैं सबसे पहले नंबर पर तो है स्काय दोस्तों आपके पास स्काइप होना चाहिए जिस पे आपने ऑनलाइन पढ़ाना है इसमें दोस्तों स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन होती है इसलिए आप अपनी स्क्रीन पर जो यहाँ पर दिखाएंगे वो दूसरे बंदे के पास शो हो जाएगा उसको आप यहाँ से पढ़ा सकते हैं इसके अलावा दोस्तों एक और सॉफ्टवेयर है वो भी आपने लाजमी करना है उसका नाम है जूम यह मैं इंग्लिश में ही लिख लेता हूँ जूम दोस्तों ये भी एक सॉफ्टवेयर है जैसे स्काइप है इसी टाइप का एक सॉफ्टवेयर है इस सॉफ़्टवेयर को आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है और दूसरों को भी बता देना है कि आप ये वाला सॉफ्टवेयर जिनसे आपकी बात हो जाएगी कि आप उनके बच्चों को पढ़ाएंगे तो जी उसके बाद आपने उनको बता देना कि आप अपने कंप्यूटर का अरेंज कर लें कंप्यूटर तो उनके पास होगा स्मार्टफोन का अरेंज कर लें और उसमें स्काइप और जूम लाजमी इंस्टॉल कर लें स्काइप और जूम इंस्टॉल कर लेंगे तो जूम में दोस्तों ये फैसिलिटी आपके पास मौजूद होगी कि आप हाईलाइट कर सकते हैं माउस के कर्जर को वहाँ पर क्या आप बता सकते हैं जैसे उंगली के पढ़ाना होता है वैसे आप उस माउस कर्ज़र की मदद से उसको बच्चे को बता सकते हैं कि आप कौन सा लफ्ज़ आप उनको पढ़ा रहे हैं उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं तो दोस्तों इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इस तरह आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जे पी जी कुरानी पाक ओपन कर सकते हैं या पी डी एफ फॉर्मेट में ओपन करके आप बच्चों को बता सकते हैं और कि इस वक्त कौन सा लफ्ज उनको पढ़ाया जा रहा है और माइक के ज़रिए आप उसका तलफ़ उनको साउंड के साथ आप पढ़ा सकते हैं तो दोस्तों ये था पहला मरल कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें लाजमी होनी चाहिए अब हम दूसरी चीज़ पर चलते हैं दोस्तों के अब हमारे पास स्टूडेंट्स कैसे आएंगे दोस्तों स्टूडेंट्स अब दूसरे मरल पर हम इस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं मैं इसको अब दूसरे मरल पर हम बात करते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट कैसे आएंगे दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है आपने अगर आपको उर्दू इन पे चलाना आता है फोटोशॉप चलाना आता है तो आपने क्या करना है कि आपने अपना एक कार्ड डिज़ाइन करना है कार्ड डिज़ाइन करना है जिसके ऊपर आपने अपना लिख लेना है ऑनलाइन कुरान अकेडमी आपने उसके ऊपर दोस्तों लिख लेना ऑनलाइन कुरान एकेडमी या जो भी आप उसका नाम रखना चाहते हैं रख लेना आपने रखने के बाद दोस्तों आपने उसकी जे पी जी तस्वीर एक बना लेनी है नीचे आपने लिख लेना अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाई अगर आप लिख लेते हैं ऑनलाइन साइंस एकेडमी और इसी नीचे आप लिख ले अपना नाम अपना मोबाइल नंबर और अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना ई एड्रेस और जो जो चीज़ें आप बता सकते हैं कि मैं ये चीज़ पढ़ा सकता हूँ ऐसे पढ़ा सकता हूँ जो भी आप लिखना चाहते हैं जैसे कार्ड विजिटिंग कार्ड होता है तो दोस्तों आपने ऐसा एक कार्ड कंप्यूटर में तैयार कर लेना है अगर आप ख़ुद तैयार नहीं कर सकते तो आपने किसी डिज़ाइनर से वो तैयार करवा लेना है तैयार करवाने के बाद दोस्तों सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वो है फेसबुक दोस्तों आपने फेसबुक अपने कंप्यूटर पर ओपन कर लेनी है मैं यहाँ पर अपना फ़ेसबुक ओपन करता हूँ दोस्तों आपने फेसबुक ओपन कर लेनी है फेसबुक ओपन करने के बाद दोस्तों आपने अपने पोस्ट में अपना कार्ड जो है उसको शेयर कर देना है उस तस्वीर तो को अपने कंप्यूटर में स्कैन करके ले आना है अगर या तो आपको अगर वो जेपी फॉर्मेट में देते तो आपने उसको अपनी पोस्ट पर लगा देना है जो भी इस पोस्ट को देखेगा उस पर लिखा होगा ऑनलाइन कुरान अकेडमी जो बच्चे कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन वो वालदेन या बच्चे हमसे राबता करें तो वो आपने नीचे नंबर अपना दिया होगा वो आपसे राबता कर लेंगे तो दोस्तों इसमें सबसे जो बड़ी बात है दूसरे मुल्कों में बच्चों को कैसे ढूंढा जाता है उसके लिए दोस्तों बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप ऊपर सर्च के ऊपर आएं आकर दोस्तों आप मुख्तलफ मुल्कों की कम्यूनिटीज़ जो हैं या ग्रुप्स हैं उनको मुस्लिम ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करें उनमें अपना पोस्ट दें ठीक है दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं यू एस ए के मुस्लिम कम्यूनिटीज़ पर के ऊपर सर्च करूँ तो आप यू एस मुस्लिम कम्यूनिटी लिखें तो आपके सामने ऐसे यू एस कम्यूनिटी के ग्रुप्स जो हैं वो आ जाएंगे ये अमेरिका में जो लोग रहते हैं और मुस्लिम मुल्क हैं मुस्लिम लोग हैं उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं आप उनको यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं कि हाँ जैसे मैंने रिक्वेस्ट सेंड की है कि आप मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर ली जब आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आप उसके अंदर अपनी पोस्ट को ऐड कर सकते हैं अपनी पोस्ट डाल सकते हैं जो भी उसमें से आपकी पोस्ट को देखेगा तो वो आपसे राबा कर लेगा कि हाँ जी हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं आपको मैसेज कर देगा फेसबुक पर भी या आपको मोबाइल नंबर पर रबता कर लेगा व्हाट्सएप पर आपसे आप राबता कर लेगा तो दोस्तों आप मुख्तलिफ ममालक में जिन जिन ममालक में आप पढ़ाना चाहते हैं आपने वहाँ वहाँ का मुल्क का आपने यहाँ पर नाम लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कैनेडा का लिखता हूँ कैनेडा मुस्लिम्स यहाँ पर लिख लेता हूँ कनाडा मुस्लिम ग्रुप्स ये देखें मैंने यहाँ पर लिख दिया है तो ये सर्च में मेरे पास आ गए हैं यहाँ से पता चल जाता है कि कितने मेंबर्स हैं उस ग्रुप में मुस्लिम्स इन कनाडा ग्रुप का नाम 30, है इसके 30 के 30000 मेंबर्स हैं इसके इसके 38000 है तो दोस्तों इस तरह आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन का बटन प्रेस करके ज्वाइन कर सकते हैं तो उसके बाद दोस्तों वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कुछ हम इसको सबमिट कर देते हैं आप इस मुस्लिम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ये आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछते हैं आपने उन क्वेश्चन को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन करने के बाद दोस्तों आपने जो उनका फॉरम होता है वो फिल कर लेना है और फिल करने के बाद दोस्तों आपने सबमिट कर देना है वो आपको कुछ ही देर में आपको रिस्पॉन्स दे देते हैं कि आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं आप इस तरह मुख्त ममालिक न्यूयॉर्क नॉर्वे कैनाडा आस्ट्रेलिया मलाइिया कोई भी ममालक हैं आप उनके मुस्लिम जो कम्यूनिटीज़ हैं उनको ज्वाइन कर लें और फिर आप अपनी हर ग्रुप में अपनी पोस्ट दे दें जब आप ये देखें आपकी Your request to join Muslims in Canada has been approved. Now you can post a comment in this group. अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये देखें दोस्तों ये कनाडा के मुस्लिम्स का ग्रुप जो है वो ज्वाइन हो चुका है अब यहाँ पर मैं अपनी पोस्ट जो भी है वो यहाँ पर दे दूंगा पोस्ट देने के बाद मैं उसको सबमिट कर दूँगा तो जितने भी कनाडा मुस्लिम्स हैं वो मेरी पोस्ट को देखेंगे और कोई मुझसे राबता करेगा तो वो मुझे बता देगा कि जी हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपने उनसे बात कर लेनी है बात करके वो आप उनको पढ़ाना शुरू कर देंगे अपने टाइम का दोस्तों एक बात है ख्याल रखना आपने जिस मुल्क में भी टाइम रखना है या किसी से आपने भी रबता करना तो ये वक्त का आपने लाजमी ख्याल रखना है। क्योंकि हमारे मुल्क में अगर सुबह का टाइम है या रात का टाइम है तो उधर देखे क्या वक्त होता है उनका और आपका दोनों का टाइम का जो है डिफरेंस वो आपने ज़रूर गौर रखना है उसके बाद दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपकी कोई अपनी वेबसाइट है तो ये तो सबसे बेहतरीन हो जाएगा आप अपनी वेबसाइट बनाएं अपनी वेबसाइट बनाकर वहाँ पर आपने मुख्तलिफ जो है आप पोस्ट देते रहें कि हम जी ये पी ऑनलाइन कुरान पढ़ाते हैं जो आपकी वेबसाइट आप उसको एडवर्टाइज़ करें तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स अरेंज कर सकते हैं और उसके अलावा दोस्तों तीसरा तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हैं कॉल के ज़रिए भी दोस्तों आप मुख्तफ लोगों को सर्च कर सकते हैं कॉल का तरीका क्या दोस्तों मैं आपको अभी बताता हूँ आपने क्या करना है कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है ओपन करने के बाद दोस्तों आपने गूगल वेबसाइट ओपन कर लेनी है और यहाँ पर आपने लिखना है येलो पेजेस येलो पेजेस आप वेबसाइट खोलेंगे येलो पेजिस डॉट कॉम तो दोस्तों यहाँ पर जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी इस पर पूरे वर्ल्ड के लोगों का जो है वो एक कॉन्टेक्ट नंबर लिखे होते हैं आप किसी भी मुल्क के लोगों का यहाँ से नंबर सर्च कर सकते हैं किसी को भी आप व्हाट्सएप यहाँ से कर सकते हैं उन्हें कॉल कर सकते हैं यहाँ से उनका नंबर आप हासिल कर सकते हैं तो आपने करना क्या कि आपने किसी भी मुल्क अगर आप ऑस्ट्रेलिया को टारगेट कर रहे हैं न्यूजीलैंड को या मलेशिया इंडोनेशिया किसी भी कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं आपने उस मुल्क के नंबर यहाँ से डायरेक्टरी ओपन कर लेनी है तो सब का नेम एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने आ जाएगा तो दोस्तों आपने उनसे रब्ता कर लेना उनका नंबर लिख के आप अगर तो आपके पास कोई ऐसा सोर्स है कि आप सस्ते कॉल पैकेज वाले भी अदर कंट्रीज़ में जो होते हैं अदर कंट्रीज़ में कुछ सस्ती कॉल्स करने के लिए भी कार्ड मिलते हैं आप वो लेकर डायरेक्ट उन्हें वॉइस कॉल कर सकते हैं वरना आप उनको व्हाट्सएप नंबर उनका अपने ग्रुप में अपने मोबाइल में ज्वाइन करके आप उनको अभी फ़िलहाल ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही लेकिन मैं आपको तरीका दोस्तों बता देता हूँ आपने येलो पैज वेबसाइट ओपन कर लेनी करके आपने उनको आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है और अपना कार्ड जो है आपने सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका विजिटिंग कार्ड जो आपने बनाया हुआ हो होगा दोस्तों वही आपने फेसबुक पर शेयर करना है वही आपने अपनी वेबसाइट पर शेयर करना है और यहाँ पर भी आपने उन सबको ग्रुप जो है उसमें आपने या उन लोगों को आपने वन बाई वन जो आपको लगेंगे कि ये मुस्लिम लोग हैं और इस लोग मुल्क में रहते हैं आप सबका एक ग्रुप बनाएंगे उनको ज्वाइन करें या आप वन बाई वन भी सबको अपना कार्ड सेंड कर दें कि अगर आप अपने बच्चे को कुरान पढ़ाना चाहते हैं तो आप हमसे रबता करें आप इंग्लिश में भी बना सकते हैं उर्दू में भी बना सकते हैं ज़्यादा इंग्लिश में इसलिए मैं कह रहा हूँ या उर्दू में भी इसलिए क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम लोग जो पाकिस्तान से गए होते हैं वो सारे उर्दू को समझते हैं जानते होते हैं अगर आप इंग्लिश में भी बनाएंगे आप साथ में कुरान पाक की तस्वीर लगा दें और इस तरह का अट्रैक्टिव सा बनाएँ कि अगले बंदे को पता चल जाए कि हाँ ये कुरान पाक की ऑनलाइन तलीम के लिए है तो वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तानी मुस्लिम से अपने बच्चों को कुरान पाक की तलीम दिलवाएँ और वो ठीक ठाक पैसे भी हैं जो वो एक टीचर को पढ़ाने के देते हैं तो दोस्तों इसके अलावा आप एक और तरीका मैं आपको बताता हूं होता है ब्लॉग का तो दोस्तों आप अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूं आपने अपना एक ब्लॉग क्रिएट कर लेना है ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं दोस्तों यहां पर जाना है यहां पर जाने के बाद दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन आती होती है ब्लॉग की ये देखिये ब्लॉगर लिखा हुआ है आप यहां पर जाएंगे यहां पर जाकर ये देखिये गूगल वेबसाइट में आपने ब्लॉग पर क्लिक करना है तो आपके नाम का एक ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा आपने अपना ब्लॉग क्रिएट करके दोस्तों उसके अंदर भी पोस्ट डेली कोई ना कोई इस्लामिक पोस्ट अगर आप इस्लामिक टीचर बनना चाहते हो तो कोई ना कोई इस्लामिक रिलेटेड वाले से कोई ना कोई पोस्ट डेली देते जाएं और साथ में अपना एडवर्टीज़मेंट करते रहें उससे भी कुछ जो लोग आपका ब्लॉग ओपन करेंगे आप अपने ब्लॉग को शेयर करें तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स मिल सकते हैं इसके अलावा दोस्तों एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ जिसके ज़रिए आप स्टूडेंट्स को हासिल कर सकते हैं वो तरीका ये है कि दोस्तों आप YouTube के जरिए भी लोगों को हासिल कर अब यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाएं वीडियो बना के नीचे लिंक शेयर करें और यूट्यूब में भी आप ऑनलाइन सामने आए आके कहें कि अगर आप अपने बच्चों को कुरान पाक की तलीम दिलाना चाहते हैं तो मुझसे राबा करें और अपनी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें और दो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म जितने भी हैं रेडिट है उस पर शेयर करें फेसबुक पर शेयर करें इंस्टाग्राम पर ट्विटर पर जितना आप उनको शेयर करेंगे आपसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे अक्सर लोग तो ऐसे भी इस पर काम कर का रहे हैं जिनके पास तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं जिनको वो एक एक घंटा टाइम देते हैं उनके पास वक्त ही नहीं है काफ़ी और स्टूडेंट्स उनसे रबता करते हैं कहते हैं कि आप हमें पढ़ाएं लेकिन उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि वो और ज़्यादा लोगों को पढ़ा सकें और दोस्तों वो लाखों रुपए कमा रहे हैं क्योंकि उनके मुल्क की करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है उनके प्राइस बहुत ज़्यादा होती है इसलिए हमारे मुल्क के हिसाब से वो पैसे बहुत ज़्यादा बन जाते हैं बाद तो ऐसे होता है कि एक स्टूडेंट जो जिनको पढ़ाते हैं वही पचास से साठ हज़ार रुपये तक उसकी जो है फ़ीस बन जाती है इस तरह अगर आप ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होंगे तो आपको लाखों रुपये भी आप कमा सकते हैं इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिसके ज़रिए आप और स्टूडेंट हासिल कर सकते हैं फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक के ज़रिए एक मुल्क ऑस्ट्रेलिया में एक मुस्लिम घराने के बच्चे को आपने पढ़ाना शुरू कर दिया है आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ाएं और उनके साथ आप रिलेशन बनाएं और उनसे आप कहें कि आप हमें रेफरेंस दें कि आपके इलाक़े में उनके क्योंकि वहाँ पर रेफरेंस भी मौजूद होंगे कि आप उनसे बात करें कि आप अपने रेफ़रेंस के ज़रिए हमें और स्टूडेंट्स लेकर दें तो वो भी अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं वो आपसे मुतमिन होंगे तो वो और लोगों को भी रिकमेंड ज़रूर करेंगे कि वो आपके बच्चे को भी वो पढ़ाएँ तो इस तरह आपको और बच्चे भी जो है स्टूडेंट्स और मिल जाएंगे तो दोस्तों ये पाँच छः मैंने तरीके बताए थे कि स्टूडेंट कैसे आप हासिल कर सकते हैं तो उम्मीद है आप लोगों को दोस्तों समझ आ गई होगी कि कैसे बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हासिल कर सकते हैं और कैसे पढ़ाना ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया स्काइप और जूम ये दो सॉफ्टवेयर की मदद से आपने पढ़ाना है कंप्यूटर और स्मार्टफोन आपके पास हो जाए अब दोस्तों तीसरा और इम्पोर्टेंट आप मसला जो है वो ये क्या है कि पेमेंट कैसे लेनी है अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि पेमेंट कैसे लेनी है तो दोस्तों आपने जब उनसे बातचीत कर लेनी है आपने दस दिन उनको पढ़ाना है अगर आपने उनसे पूछना है दस दिन पढ़ाने के बाद कि अगर आप मुझसे सेटिसफाइड हैं तो बता दें वो आपको बता देंगे कि यस कि वो सैटिस्फाइड है अगर वो सैट्सफाइड होंगे तो आपने उनसे कहना है कि ठीक है आप आप मुझे पेमेंट सेंड कर दिया करें हर दस दिन के अंदर अंदर आपने मुझे पेमेंट सेंड कर दिया कि नहीं हर मांगी तो आप बाहर जो जितने भी कंट्रीज़ हैं अदर कंट्रीज़ वहाँ पर पेपल जो है अकाउंट उसके ज़रिए वो पेमेंट्स ट्रांसफ़र करते हैं लेकिन पाकिस्तान में दोस्तों पेपल का अकाउंट जैसे नहीं बनता है आपको मालूम है तो आप उनसे पेमेंट डायरेक्टली इस तरह नहीं दे सकते दोस्तों इसके बाईपास मेथड्स बहुत ज़्यादा है कि आप किसी और कंट्री के थ्रू आप अपना पेपल का अकाउंट बना सकते हैं अगर आप वो कर सकते हैं कर लें वरना मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा ना करें आप वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र के ज़रिए आप उनसे पैसे मंगवा लें तो दोस्तों आपने उनसे बात कर लेनी कि मुझे आप वेस्टर्न क्योंकि ये भी एक पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड जो है वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर जो है वो आप उसके ज़रिए पैसे मंगवा सकते हैं ये पूरे दुनिया में हर जगह पे इसके ऑफिसज मौजूद हैं आप किसी भी मुल्क से किसी भी ज़... दूसरे मुल्क में इजीली पैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं आपने उनको कहना है कि मेरा ये वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र के ज़रिए मुझे आप पैसे सेंड कर दीजिए तो वो आपको सेंड कर देंगे उसके अलावा दोस्तों अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो आप अपने बैंक अकाउंट में भी डायरेक्टली मंगवा सकते हैं आप उनको बताएं कि ये मेरा पाकिस्तान में बैंक अकाउंट नंबर है तो वो आपको बैंक अकाउंट के ज़रिए भी आपको पैसे सेंड कर देंगे इसके अलावा दोस्तों आजकल जो है जैज़ कैश ईजी पैसा ये वो जो चल रहे हैं नेटवर्किंग कंपनीज़ की तरफ से जो सर्विसेज दी जा रही हैं ये भी आप इसके ज़रिए भी पैसे मंगवा सक इसके ज़रिए भी आप पैसे मंगवा सकते हैं आप उनको अपना जैज़ कैश नंबर बताएं ईजी पैसा कैश नंबर बताएं या जो भी आपके पास सिम है उस पर आपने जौन सा अकाउंट बनाया हुआ है आप उनको बताएं कि ये मेरा अकाउंट नंबर आप मुझे पैसे सेंड कर दें तो दोस्तों वो आपको पैसे सेंड कर देंगे एक मरतबा तो आपका और उनका आपस में एक बाहमी जो है वो रिलेशन बन जाएगा और एक दूसरे के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा इस तरह दोस्तों जब एक स्टूडेंट मिल जाता है फिर रेफरेंस के ज़रिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मिलते हैं अगर रेफरेंस आपको स्टूडेंट मिलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आप लाखों रुपये कमा सकते हैं तो ज़्यादा सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपने फ़ेसबुक फो को फोकस करें फेसबुक के ज़रिए आप मुख्तलु कम्यूनिटीज़ को जो है ज्वाइन करें और ज्वाइन करके मुख्तु लोगों को भी आप सर्च कर सकते हैं आप मुख्तलु कंट्रीज़ ओपन करें कि इस कंट्री में जैसे ये लोकेशन आप लोकेशन सेलेक्ट करें लोकेशन सेलेक्ट करके आप कोई मुल्क लिखें जी आप लिख लेते हैं जी कोई भी यूरोपियन कंट्री का लिख लेते हैं यहाँ पर या कोई कैनाडा अमेरिका इंग्लैंड कोई मुल्क लिखते हैं लिखने के बाद दोस्तों आप करना क्या है कि आपने वहाँ से स्पेशल कोई नाम लिख लें मुस्लिम नेम लिखे मोहम्मद नाम लिखे मोहम्मद अली मोहम्मद जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख कर सर्च करें तो आपके सामने उस मुल्क में रहने वाले जितने भी उस नाम से लोगों ने फेसबुक अकाउंट बना रखा होगा वो सारे आपके सामने आ जाएंगे तो दोस्तों आप उनका नंबर आपके सामने होगा या आप उनको वन बाई वन मैसेज कर सकते हैं उनमें से जो आपसे रापता करेगा कि यस मैं इस चीज़ के लिए एग्री हूँ आप उनको पढ़ाना शुरू कर दे फिर नेक्स्ट आपका जो है ये काम चलता रहेगा तो दोस्तों अगर इस बात में आपको कहीं पर भी कोई ऑनलाइन पढ़ाने में कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो दोस्तों आप मुझसे नीचे कमेंट में रबता कर सकते हैं तो आप कुरान पाक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो, दोस्तों वो तो इजी है आपने गूगल पर जाना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कुरान पाक जो है जे डाउनलोड तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं या पीडीएफ में आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने लिख देना है कुरने पाक पीडीएफ डाउनलोड तो दोस्तों आप ईजीली डाउनलोड कर सकते हैं ये तो बिल्कुल सिंपल सा काम है इसलिए मैंने ये आपको यहाँ पर करके नहीं बताया है आप पढ़ाना शुरू करें कहीं पर भी कोई आपको मसला आए कोई भी प्रॉब्लम हो जाए जो चीज़ मिस हो गई हो रह गई हो मैं यहाँ पर नहीं बता चुका हूँ सकाऊँ आप पूछना चाहते हैं मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों मैं आपको इन शाला तला जरूर जवाब दूंगा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा वीडियो देखने का शुक्रिया अल्लाह हाफिज़